हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाइव स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC से रिजल्ट के संबंध में एक बड़ी अपडेट लेकर के हाजिर हो चुके हैं। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू चल रहा है, आज भी फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू था और ये इंटरव्यू लगभग 27 तारीख यानी 27 अप्रैल 2019 तक चलेगा। और आयोग में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं आपके रिजल्ट को लेकर के, आपको एग्ज़ाम डेट के संबंध में, वो हमें बारी बारी से जो भी होगा आपको खबर में देता रहूँगा। लेकिन जो मुझे आज खबर मैंने प्राप्त की, ट्यूबवेल ऑपरेटर लोअर 2 और PET DET युवा विकास अधिकारी का, कि इन तीन मुद्दों पर मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो सोचा आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। और लगातार हमारे कुछ मित्रों का कमेंट आ रहा था कि देखिए सर, कब तक आप ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट बार बार बोल रहे थे कि अब आ जाएगा, अब जाएगा, अभी रिजल्ट नहीं आया। तो उसके संबंध में मैंने एक जो नया अपडेट निकल के आया हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ लोअर 2 रिजल्ट, ये काफ़ी जो है कहा जाए कि बड़ी वैकेंसी तो नहीं थी, लेकिन लोअर 2 की वैकेंसी काफ़ी जो है फंसी हुई वैकेंसी जो थी। उसके समय लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा था, क्या सर जो एग्ज़ाम ये कैंसिल होगा, आखिरकार रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है। ये बच्चों का एग्ज़ाम 15 जुलाई 2018 को हो चुका था और 2016 की वैकेंसी है। ये बड़ी चीज़ ये है, कुल लगभग 3 साल इस वैकेंसी को भी होने वाले हैं मित्रों। तो क्यों नहीं, आपका इंतज़ार का जो समय है मित्रों वो बढ़ता जा रहा है। हम पूरी जानकारी इसके संबंध में देते हैं। और PET DET आप जैसे आपका युवा विकास अधिकारी का, इसके सामने जो PET DET, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बार आपका 6, 7 और 8 अप्रैल का आ गया था, आयोग ने जारी कर दिया था, लेकिन पुनः इस डेट को आयोग के द्वारा कैंसिल करना पड़ा कि सुरक्षा व्यवस्था के नाते। जैसा कि जानते हैं कि आम चुनाव चल रहा है देश में, तो लोकतंत्र का एक जो महापर्व है वो चल रहा है, इस वजह के नाते जो है युवा विकास अधिकारी का आपका जो है कहा जाए कैंसिल कर दिया गया, 6 और 7 8 में जो PET DET था। तो अब न्यू आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होगा, उसके संबंध में भी आपको जानकारी मैं दूंगा। ये पूरी पूरी न्यूज है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, ग्राउंड जीरो का ये रिपोर्ट है मित्रों, किसी प्रकार का कोई अफवाह नहीं है। अब आप लेते हैं पूरी पूरी जानकारी इन रिजल्टों के संबंध जो हमें सूचना प्राप्त हुई है आयोग से, हम पूरी जानकारी लेते हैं इसके संबंध में। लेकिन चाहेंगे उससे पहले चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, रिजल्ट के संबंध में हो, एग्जाम डेट के संबंध में हो या न्यू वैकेंसी के संबंध में हो, सब कुछ सबसे तेज और सबसे अच्छा आप तक मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। तो लेता हूँ खबर सबसे पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर के संबंध में, जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है आयोग से, आखिरकार ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो मित्रों, हम बात करें अगर ट्यूबवेल रिजल्ट के संबंध में, तो ट्यूबवेल रिजल्ट के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर सबसे पहले किसी चीज़ का रिजल्ट जारी होगा आयोग के द्वारा, तो वो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का ही जारी होगा, ना कि ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो आयोग के द्वारा सबसे पहले जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो ट्यूबवेल ऑपरेटर का ही जारी किया जाएगा, है ना। तो ये बड़ी खबर है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट सबसे पहले आयोग के द्वारा जारी किया जाए, लेकिन इस महीने ये रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए मित्रों, कहा जाए पैगा से बैड न्यूज है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट जो है आपका इस मंथ यानी अप्रैल में जारी हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। ट्यूबवेल ऑपरेटर सबसे बड़ी वजह इसका आम चुनाव है, आम चुनाव होने के नाते इसका जो है रिजल्ट आपका जारी हो पाना भी मुश्किल है। जो हमें वहाँ से प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार से मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, और ये सूचना मैं सीधे आयोग से प्राप्त किया हूँ मित्रों। तो ये बड़ी खबर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट अभी आपका इस मंथ में नहीं आने वाला है। और आपको कोई अगर अफवाह फैलाए कि रिजल्ट अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते रिजल्ट आने वाला है ट्यूबवेल ऑपरेटर का, तो सीधा सीधा मित्रों कहा जाए मैं कह सकता हूँ वो अफवाह है। रिजल्ट आपका आना होगा तो मई के मंथ में ही आने की संभावना है, अन्यथा इस महीने में आपका रिजल्ट ट्यूबवेल ऑपरेटर का आना मुश्किल है। ओके, अब मैं जानकारी लेता हूँ
सबसे बड़ी रिजल्ट लोवा टू के संबंध। तो लोवा टू रिजल्ट की बात कर ले मित्रों, लोवा टू की जैसा कि आप लोग ये आ रहा था बार बार कि क्या ये लोवा टू का आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपका जो है लोवा टू का कैंसिल होगा। इसके संबंध में मैंने आपसे बताया था आज से 4 महीना पहले लगभग जनवरी के मंथ तक या दिसंबर में, कि सीधे सीधे जब बात हुई थी हमारे कुछ कैंडिडेट थे वे साथ में थे लोअर टू के, तो सीधे विपिन मिश्रा जी से जो बात हुई थी बच्चों की, तो उन्होंने बोला था देखिए आपकी ये जो लोअर टू की है ये कैंसिल होने वाली वैकेंसी नहीं है, रिजल्ट आपका आएगा। और उन्होंने उस समय जनवरी मंथ या फरवरी मंथ में बताया था अधिकारी का ये आपका लास्ट, जी हाँ लास्ट ना करके कहा जाए लास्ट ही समझ लीजिए, लास्ट वीक ऑफ मई में संभावना है ना, लास्ट वीक आप मई आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है युवा विकास अधिकारी का हो पाना सुनिश्चित होगा मित्रों। तो आपका 25 मई के बाद किसी भी डेट में आपका ये शिफ्ट हो जाएगा, ये मानिए डेडलाइन है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका डेडलाइन है। इसके अंदर अंदर आयोग जो है मैं कहूँ 25 मई से लेकर के आपका जो है मान लिया जाए 6 से 7 मई, 6 से 7 आपके जून तक जो है पीईटी के संबंध में आपको खबर प्राप्त हो जाएगी। आपका पीईटी का डेट इसी बीच में शिफ्ट होगा और इसी बीच में आपका पीईटी होगा। पीईटी आपकी मित्रों 6 और 7 8 अप्रैल को होनी थी और होती उसी डेट में आपकी ये, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है मैं बताया आपको, पूरा पूरा जो है आपको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया ना हो पाने की वजह से आयोग ने इस डेट को जो है कैंसिल किया। अब पुनः डेट जो आपका संभावना जताई जा रही है वो आपका लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में पीटी डेट आपका युवा विकास अधिकारी का शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए, निश्चिंत रहिए कि आपका जो है पीटी टेस्ट आप बिल्कुल उसमें जो है अपना जो एक्सरसाइज करते रहिए, जो भी इसमें दौड़ थे आपके उसको आप बनाए रखिए। 100 मीटर का रेस है जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में, 12 सेकंड में 14 सेकंड में शायद है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। तो तब तक मित्रों ये आपका जो है मैंने बताया कि लास्ट वीक आप मई में इसका जारी कर दिया जाएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आप बिल्कुल आपको एक अच्छा और समय मिल गया आपको इसके लिए तैयारी के लिए, तो आप उसको तैयारी को पूरा करिए। तो मित्रों ये मेरे पूरे तीन तीन रिपोर्ट आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, ट्यूबल ऑपरेटर रिजल्ट के संबंध में, लोअर टू रिजल्ट के संबंध में और न्यू पीटी डेट ऑफ युवा विकास अधिकारी का। तो तीनों संबंध में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है मित्रों, UP SSC भवन से। तो हमें और भी कोई खबर प्राप्त होती है, हाँ अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करेंगे, मुझे मालूम है वीडियो रिजल्ट के संबंध में, तो वीडियो रिजल्ट देखिए मित्रों अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था लगभग 10 दिन पहले मान लिया जाए 6 से 7 दिन पहले बताया था लाइव होकर के सीधे आयोग से कि उसके रिजल्ट के संबंध में चुनाव आयोग की, तो मैंने जो है मुझे वीडियो के संबंध में अभी कोई खबर नहीं प्राप्त हुई है। जैसा मैं आपको बताया हूँ कि फर्स्ट वीक अब मई वीडियो का रिजल्ट घोषित किए जाने की संभावना है, तो देखते हैं अगर उसमें आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ मई, लेकिन मैं आप जी कहता हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट सबसे पहले जारी किया जाएगा, उसके बाद ही आपका ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। तो ये पूरी जानकारी थी तीनों बिंदु पे मित्रों, ट्यूबवेल ऑपरेटर, डोवर टू, पीटी रेट। तो हमें और भी कोई एग्जाम के संबंध में या फिर नई वैकेंसी आपकी सबसे पहले कौन सी आने वाली है उसके संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि यदा जानते हैं कि 27 तारीख को यानी 27 अप्रैल को आपका फॉरेस्ट गार्ड का इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, देखा जाता है कि इसके बाद आयोग किस वैकेंसी के संबंध में प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये पूरी खबर थी मित्रों, अगर खबर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।